सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोएडा रियल्टी। आज हम विजिट करने वाले हैं विहान विलास। बिल्डर प्रोफाइल की बात करें तो एज अ ग्रुप विहान ने काफी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, जिसमें आपके लो राइज अपार्टमेंट्स भी हैं और विलास भी हैं। प्रीवियस जो हमने वीडियो में कवर किया, दैट वाज विहान हेरिटेज विलास इन सेक्टर 1। लोकेशन की अगर बात करें तो विहान विलास की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, दैट इज योर बिसाइड सेक्टर 10। लैंडमार्क की बात करें तो सिंधुजा ग्रीन इज ऑल्सो अ लैंडमार्क। सो प्रोजेक्ट डिटेल की बात करें, टोटल 1.5 एकड़ का लैंड साइज है और जो नंबर ऑफ विलास है दोज आर 43। प्रोजेक्ट के ऑफरिंग की बात करें तो आपको 3 और 4 बीएचके के डुप्लेक्स विलास मिल जाते हैं। सो करंट जो आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन स्टेटस है अभी। सो ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं आपके। टू नो मोर अबाउट द मास्टर प्लान एंड द लेआउट, हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया है, यू कैन गो थ्रू द सेम। साइजेस की अगर हम बात करें तो 1530 स्क्वायर फीट से लेकर आपके 1910 स्क्वायर फीट के विला वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। अगर गज में बात करें, 70 गज से 90 गज के बीच में साइजेस वेरी करते हैं। अभी जो विला इस वीडियो में हमने कवर किया है, ये आपके एक सैंपल यूनिट है। पर्पस ऑफ कवरिंग दिस पर्टिकुलर विला इज टू शो यू द टेंटेटिव लेआउट ऑफ द विला। जो पर्टिकुलर वेरिएंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो आपका 3 बीएचके का वेरिएंट है और साइज की बात करें तो 1530 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये सबसे छोटा साइज है इस पर्टिकुलर सोसाइटी का। सो एज यू एंटर द विला, ये आपका पार्किंग स्पेस हो गया। कार पार्किंग की अगर हम बात करें तो कार पार्किंग इज पार्शियली विद इन द विला। एंटर करते ही आपको एक ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है, जिसका डायमेंशन 10x16 का है, विच इज नेक्स्ट टू योर किचन। किचन के डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 8x9 की आपकी किचन होगी। सो ये आपका ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम हो गया, जिसका डायमेंशन 10x12 का है। वही अगर हम वॉशरूम की बात करें तो 6x7 का डायमेंशन होगा। ये आपका शाफ्ट एरिया हो गया, ऑफरिंग यू इनफ वेंटिलेशन। सो नाउ टेकिंग यू टू द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते ही आपका लॉबी एरिया आ गया, जिसका डायमेंशन 10x8.5 का है। सो एंटरिंग टू द बेडरूम, 10x12 का डायमेंशन है इस पर्टिकुलर बेडरूम का। और वही अगर हम वॉशरूम के डायमेंशन की बात करें तो 6x7 का डायमेंशन है वॉशरूम का। ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया, जिसका डायमेंशन 12.5x10 का है। इस पर्टिकुलर बेडरूम में आपको वॉशरूम अलोंग विद द ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, जिसके डायमेंशन की बात करें 5x6 का आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया और 5x6.25 का आपका वॉशरूम हो गया। सो नाउ टेकिंग यू टू द सेकंड फ्लोर।
टेरेसेस या ओपन टेरेस एरिया जो पर्टिकुलर यूनिट आपने देखी है, अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो 45 लाख रुपीस आपका ये पर्टिकुलर यूनिट स्टार्ट हो जाती है और बाकी वेरिएंट्स की कॉस्टिंग हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा। वी होप आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। टू नो मोर अबाउट विहान विलास और टू विजिट विहान विलास आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दी सेम आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। वी विल बी कनेक्टिंग यू बैक। सो इन केस आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।